गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्लीज सिट डाउन। तो स्टूडेंट प्रेजेंट बोलिए। बंटी। यस सर। पवन कुमार। यस सर। शिवम। यस सर। पृथ्वी तंत्र की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको थोड़ा इजीली बताते हैं। जैसे कि मान लो अगर हम पर्यावरण के बारे में बात करते हैं, पर्यावरण को इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहते हैं। पर्यावरण एक ऐसा आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। अगर हम पर्यावरण की साधारण भाषा में बात करें तो पर्यावरण ऐसा आवरण जो हमें चारों ओर घेरे है। जैसे कि मान लो हमारे आसपास बहुत से पेड़ पौधे होंगे, जीव जंतु होंगे, वो क्या है, हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। मैं कमिन सर। यस कमिन। इतना लेट क्यों? सॉरी सर। चलिए स्टूडेंट, ये हमारे क्लास में जो है न्यू आई हैं और इस स्कूल में ये पहली गर्ल हैं। इनका नाम है शिखा। बहुत रोमाल आई हुई, दिलाई हुई एकदम जान मार है। पटाई छुड़ाई नहीं, देख लियो। बैठ जाइए, कल से टाइम से आना। ओके सर। तो जो हमारा इकोसिस्टम बर्ड है, ये जो एक साइंटिस्ट है टेंसले, उन्होंने दिया था। मैं कमिंग सर। यस सूर्या, ये हमेशा लेट ही आते हैं। क्यों लेट हुए आज? सॉरी सर, एक दोस्त की बाइक खराब हो गई थी, वही सही कराने लगे थे। मैंने यहाँ आधा टॉपिक पढ़ा दिया, तुम डेली लेट आते हो, क्यों लेट होते हो? सॉरी सर। बाकी सूर्या को तो पूरा क्लास ही जानता है, ऐसा कौन सा बच्चा है जो सूर्या को ना जानता हो। मगर हम सूर्या का जो है इंट्रोडक्शन आज शिखा से कराते हैं। शिखा, ये सूर्या है, ये बहुत हेल्पिंग नेचर है, ये हमेशा लोगों की मदद करते रहते हैं। सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नाइस। ओए बंटी, क्या कर रहे हो? सॉरी सर, कुछ नहीं सर। जाओ सूर्या, अपनी जगह पे बैठ जाओ। ओके सर। एक होता है जैविक घटक, अगर हम इसकी बात करें तो जो हमारा इकोसिस्टम होता है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक जैविक घटक, इसको बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। जैविक घटक जो होता है इसमें हमारे जो आसपास जितनी भी जीवित चीज़ें होती हैं। चलिए ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके सर। शिखा जी, तुमसे कुछ बात कहनी है मुझे। क्या बात करनी है? शिखा जी, मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे प्यार हो गया है तुमसे। क्या दिमाग खराब है तुम्हारे? शिखा जी, आई लव यू। शिखा जी, हम तुमसे बहुत दिनों से एक बात कहने वाले थे, पर मुझे डर लग रहा था। कैसा डर? I like you. Really? And can you love me? कितने टाइम आएगा मैसेज यार, लगता है मैसेज नहीं आएगा। अरे मैसेज आ गया।
क्या मंगा ले? कॉफी मंगा। बेटर तो कॉफी लाना। आप मुझे कॉलेज के पहले दिनों से ही बहुत अच्छी लगती है। सर ने मुझे बताया था कि आप सबकी हेल्प करते हैं, बस उसी दिन से आप मुझे अच्छे लगने लगे। बात है, बहुत अच्छी जगह लग रही है। पता है तुम्हें यहाँ क्यों लेके आए? क्यों? इसका भी कारण है। क्या? कुछ कहना चाहते हैं आपसे हम। क्या कहना चाहते हैं? क्या बात है? आओ बैठ के बताते हैं। चलो वहाँ पे चलते हैं, वो बहुत अच्छी जगह है। आओ। चलो चलते हैं। यहाँ पे बैठ के बात करते हैं। क्या बात है बताओ, क्या बातें थी, क्या बात करना चाहते थे तुम? आप वादा करो कभी साथ नहीं छोड़ोगे। ठीक है, करते हैं वादा, नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा साथ। फिर हम भी वादा करते हैं आज से, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे मरते दम तक। वादा? वादा, अगर तुम ना मिली सच में हम मर जाएंगे। तो हम भी तुमसे वादा करते हैं, अगर तुम नहीं मिले ना तो हम भी तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएंगे। पक्का? पक्का। और अच्छा घूमते हैं। सॉरी सूर्या, मेरी शादी होने वाली है, अब हम नहीं मिल पाएंगे। क्या? शादी होने वाली है हमारी, अब हम नहीं मिल पाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो? ये लो मेरा कार्ड। तुमने मेरे बारे में सोचा कभी? क्या बात सूर्या, तो खाना क्यों नहीं खा रहा दो तीन दिन से? चल सूर्या खाना खा ले चल के। भैया हम खाना नहीं खाएंगे, जाइए आप। हमें नहीं खाना है खाना, भैया सब लूट गया हमारा, अब खाना खाने से कोई फायदा नहीं है, जाइए आप। किसी एक इंसान के जाने से जिंदगी खत्म थोड़ी ना हो जाती है, कम से कम खाना पीना का अपना ख्याल रखो, जो चला गया है उसे भूल जाओ आप। वो बैठा है सूर्या, कॉलेज में बहुत स्मार्ट बन रहा था ना, आज इसकी अकड़ निकालते हैं। जब से यार कॉलेज से फ्री किया हुआ है से मेरे पीछे गुंडे पड़ गए। तुम्हारे पीछे गुंडे पड़ गए? हाँ यार बहुत टेंशन में है हम। यही कहीं होगा साला सूर्या, आज देखते हैं वो कहाँ है। चलो ढूंढते हैं। वो बैठा है सूर्या, आज इसकी अकड़ निकालते हैं। बीरू को बुला के ला। बहुत उछल रहा था ना, अब उछल के दिखा। मार दो इस सूर्या को। आज तक सूर्य आज तक उठा है। और सूर्या किधर बुलाएगा तू? लड़ा है किधर बुला ले। अभी भी जोर दिखा रहा है,
अभी तेरी कॉलेज की अकड़ गई नहीं। ये बंटी अपने आदमियों से कह दे ये हथियार फेंक दे। अपने अपने हथियार फेंक दो। अली जा। भीमा चल देख तो। Oh!